हेलो एवरीवान आई एम डॉक्टर शिल्पी बदानी आएम अ प्लास्टिक एन एस्थेटिक्स सर्जन एट एस बी एस्थेटिक्स गुरुग्राम इंडिया आज का जो वीडियो है उसमें हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को देखेंगे कि कैसे होते हैं एक्चुअली ब्रेस्ट इम्प्लाट्स मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम ब्रेस्ट इम्प्लांट सेफ है कि है नहीं क्या हम ये करवा सकते हैं इससे कोई लाइफ को रिस्क तो नहीं होगा सो so, वो सब क्वेश्चंस तो एक तरफ हैं लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं तो शायद हमें बहुत सारे सवालों का वैसे ही जवाब मिल जाएगा ये एक टिपिकल ब्रेस्ट इम्प्लान्ट है और ये एक्चुअली जिस मटेरियल का बना होता है वो सिलिकॉन है इसमें सिलिकॉन शेल है मतलब एक सिलिकॉन का कवर होता है और उसके अंदर सिलिकॉन जेल होता है इसका अगर हम सरफेस देखेंगे तो ये टेक्सचर्ड सरफेस कहते हैं इसको टेक्सचर्ड सरफेस मतलब खुरदुरा ये स्मूद नहीं है तो ये टेक्स्चर्ड ब्रेस्ट इम्प्लांट है टेक्सचर्ड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे लेकिन अब धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है क्योंकि कुछ स्टडीज़ में आया है कि इनसे किसी तरीके का कैंसर रिलेटेड हो सकता है ऑल वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है लेकिन ये एक आ, जो कंसर्न है वो टेक्सचर ब्रेस्ट इम्प्लांट के ऊपर आया है तो इसलिए हमारे यूजेज में मोस्टली हम स्मूथ इम्प्लांट्स अब मोर एंड मोर स्मूद इम्प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं बस एक ही आ, इसमें जो पॉइंट है नोट करने लायक कि अगर हम एनाटोमिकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ये एक ये एक राउंड ब्रेस्ट इम्प्लांट है ये एनाटोमिकल नहीं है या टीयर ड्रॉप नहीं है जो टीयर ड्रॉप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली टेक्सचर्ड में ही बनते हैं बाकी इम्प्लांट्स टेक्सचर्ड नैनो टेक्सचर्ड और स्मूथ सभी में बनते हैं जो हम ज्यादातर प्रैक्टिस में अब यूज़ कर रहे हैं वो स्मूथ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं स्मूथ ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे होते हैं ये हालांकि एक बट बट इम्प्लांट है इट इज नॉट अ ब्रेस्ट इम्प्लांट बट ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर होता है स्मूथ ब्रेस्ट इम्प्लांट का भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो सरफेस है वो स्मूद है वो इसकी तरह या खुरदुरा नहीं है तो ब्रेस्ट स्मूद है और ये टेक्सचर्ड ब्रेस्ट इम्प्लांट है अब इसके अंदर क्या भरा होता है या शेल और जेल की जो बात है जो मैं कर रही हूं वो क्या होते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है शेल मतलब इसका कवर ये एक पॉकेट की तरह है जिसमें कि ये जेल भरा हुआ है अगर आप देखोगे तो इसको मैंने प्रेस किया इसको मैंने जानबूझ के यहाँ से एक डिफेक्ट क्रिएट किया है जिससे कि हमें दिखाई दे कि अंदर क्या भरा हुआ है तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जेल है ये ये जो जेल है ये भी सिलिकॉन जेल है अब ये जो जेल इसमें भरा जाता है ये हाईली कोहेसिव जेल है इसका क्या मतलब हुआ कोहेसिव का मतलब है बिल्कुल चिपका हुआ मतलब अगर ये प्रेस भी होता है अगर ये रप्चर भी होता है किसी तरीके से अगर इसमें एक डिफेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है तो भी ये जेल स्पिल आउट नहीं कर रहा मतलब कितना भी प्रेशर लगाया जाए तो ये ऐसे बाहर की तरफ नहीं आ रहा अगर मैं इसको खींचती भी हूं किसी तरीके से तो आप देखोगे कि ये अपनी जगह पे वापस चला जाता है और मेरे हाथ में ये जेल बिल्कुल नहीं लग रहा है इसका मतलब ये आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं और अगर ये रप्चर भी होता है या डिफेक्ट भी होता है इन इम्प्लांट में तो इसमें से जेल स्पिल आउट नहीं करता तो यहाँ पे हमारे जो मोस्ट कॉमन वरी है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि रप्चर हो गया तो क्या होगा अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट वैसे तो रप्चर नहीं होता क्योंकि इसका भी प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो उसमें यह है कि ये एक ब्रेस्ट इम्प्लांट है इस पर मैं कितना भी अगर जोर भी लगा रही हूं अगर इसको नॉर्मली अपने हाथ में भी लेके अगर मैं ट्विस्ट और टर्न और स्क्वीज कर रही हूँ तो भी इसमें डिफेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा इसका मतलब है कि ये जो सिलिकॉन जो मटेरियल है एक्चुअली बहुत टफ मटेरियल होता है इसलिए मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट्स इन मेडिसिन दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन बहुत सारे ब्रांचेस में यूज होता है प्लास्टिक uh, सर्जरी में हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन का बहुत एवरीबडी नोज की बहुत ज़्यादा यूजेज है हालांकि वो भी एक हद तक ट्रू नहीं है बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज नेचुरल होती हैं uh, जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात करें तो उसमें फैट भी यूज़ करते हैं और इम्प्लांट्स भी यूज़ करते हैं इसके अपने एडवांटेजेस हैं उसके अपने एडवांटेजेस हैं पेशेंट सेलेक्शन भी डिफरेंट होता है दोनों के लिए तो सिलिकॉन एज सच इट्स अ वेरी वेरी कॉमनली यूज मटीरियल इन मेडिकल इम्प्लांट्स नॉट ओनली इन प्लास्टिक सर्जरी बट अदर प्लेसिस एज वेल फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक्स हार्ट सर्जरी सभी में बहुत सारे इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं वैस्कुलर सर्जरीज जिसमें कि सिलिकॉन के इम्प्लांट्स का यूज़ होता है अलग अलग तरीके से तो ये बहुत टफ मटीरियल है इसलिए और ये बायो रिएक्टिव नहीं है मतलब कि ये अगर बॉडी में डाला जाए तो इसके रिएक्शन्स बहुत कॉमन नहीं है या बहुत ही रेयर हैं तो इसलिए ये इनर्ट मटीरियल है ये मटीरियल स्टेबल मटीरियल है ये टाइम के साथ बहुत डिग्रेड नहीं होता इसलिए हम सिलिकॉन का यूसेज बायो बॉडी के इम्प्लांट्स में करते हैं तो जब हम बात करें कि रप्चर की रप्चर इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जो प्लेस होते हैं, ये डायरेक्टली अंडर द स्किन प्लेस नहीं होते अंडर द ग्लैंड या अंडर द मसल प्ले, प्लेस होते हैं तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो टच में या फील में या कपड़ों के नीचे ये फील नहीं होता क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर नॉर्मल टिश्यू की कवरिंग होती है तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रेशर इस पर कभी नहीं होता तो अगर मैं डायरेक्ट प्रेशर भी लगा रही हूँ और ये इम्प्लांट इतने स्टर्डी हैं कि ये ब्रेक नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट प्रेशर में इतना कॉमन नहीं है इनका ब्रेक होना तो ये डर कि इम्प्लांट रप्चर हो गया तो क्या होगा ये बहुत ही रेयर एक सिचुएशन है जिसमें कि इम्प्लांट रप्चर होता है आ, इसमें हालांकि यस yes, पंद्रह साल 12 से 15 साल में हम रिकमेंड जरूर करते हैं कि आप इम्प्लांट्स चेंज कराएं क्योंकि धीरे धीरे वेयर एंड होता है और आफ्टर 15 ईयर्स रप्चर के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी रप्चर हो भी जाए तो ऐसा स्पिल आउट नहीं करता बाहर नहीं करता इसका मटीरियल और उसके अपने साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपके सर्जन आपको बताएंगे कि आप इन सिम्टम्स का ध्यान रखें अगर वैसा हो तो आप अपने सर्जन को दिखाएं तो ये कॉमन मिथ है जो ब्रेस्ट uh, इम्प्लांट्स को लेके जो मैं दूर करना चाहती थी और इसके लिए मैंने ये स्पेशली ये वीडियो बनाया ब्रेस्ट इम्प्लांट्स सिलिकॉन के ही होते हैं ये ऐसे ही दिखते हैं और uh, अलग अलग शेप साइज वो साइज़ uh, आपकी बॉडी के अनुसार आपके सर्जन भी हेल्प करेंगे आपको डिसाइड करने में और अप्रोच uh, जैसे uh, मेरा मोस्ट कॉमन जो अप्रोच है मैं इंफ्रा मेमरी या ब्रेस्ट के नीचे मैं एक कट uh, देती हूँ जो कि नहीं दिखाई देता तो ये अलग अलग अप्रोचेज हैं ब्रेस्ट इम्प्लान डालने के तरीके अलग हैं साइजेस अलग हैं क्योंकि एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी वैन वी आर डिसाइडिंग फॉर अ सर्टन प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही कस्टमाइज ब्रांच है स्पेशली एस्थेटिक सर्जरी इज अ वेरी कस्टमाइज ब्रांच सो वी वांट टू टेलर द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड योर नीड्स वन साइज फिट्स ऑल का इसमें यूजुअली इट इज़ नॉट ट्रू इन कॉस्मेटिक सर्जरी टेक केयर एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल इन बस्टिंग सम मिथ्स अबाउट द ब्रेस्ट प्लान्स थैंक यू